ठीक है, आज हम चैप्टर फोर्थ का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें फाइंड द वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करना इक्वेशन पे रख के। ठीक है, पहले हमको दिया हुआ x इज इक्वल टू जीरो, उसके बाद दिया x इज इक्वल टू वन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे हमको, हम सिर्फ एक ही सॉल्व करेंगे, बाकी होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पी एक्स इज इक्वल टू 5x टू द पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 2 प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। हम x की वैल्यू कितनी रखनी है, हमको यहाँ से 0 रखनी है। ठीक है, तो 5 0 टू द पावर 3 माइनस 2 0 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2। ठीक है, ये 5 है, 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा 0 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा 0 आएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा फाइनल माइनस 2। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट इक्वेशन पे x इक्वल टू 2 रखना है और आगे इक्वेशन पे दिए हुए अलग अलग क्वेश्चंस उसके हिसाब से हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो अब इसमें से आप हम लोग एक क्वेश्चन और है जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों सेम है, वैल्यू पुट करनी और आंसर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया कि ये वैल्यू इसका है कि नहीं। ठीक है, हमको पता करने के लिए करना है, तो क्या करना है, जैसे हम क्या करेंगे, पहले करेंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू इस इक्वेशन की होगी, ठीक है, अगर ये वैल्यू इस इक्वेशन की होगी तो क्या होगा, ये पूरे इक्वेशन को क्या कर लेगा, ये ज़ीरो कर देगा। तो क्या होगा, 3 माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3 कैंसल टू ईच अदर, आंसर इज माइनस 1 एंड प्लस 1। ठीक है, तो आंसर क्या गया हमारा, 0। तो हमको देख के समझ में आ रहा है कि ये इस इक्वेशन का क्या था, वैल्यू 0 हो गया, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग पॉलीनोमियल। ठीक, उसमें पहला इक्वेशन लिखा हुआ है, पहला इक्वेशन लिखा हुआ है वहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। ठीक है, तो एक्स प्लस 6 लिखा हुआ है, तो क्या होगा, एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, इस पॉलीनोमियल का इक्वेशन क्या है, जीरो क्या है, माइनस 6। ठीक है सर, सर, ओके, थैंक यू।